आइए देखें रॉयल प्ले बैम्बू पैटर्न बनाने का तरीका। जिन टूल्स के इस्तेमाल हो रहे हैं वो हैं स्मार्ट केयर रॉयल रोलर, एप्लीकेशन रोलर, स्मार्ट केयर पेंटिंग ट्रे, रेगुलर टचअप ब्रश, मास्किंग टेप, मेजरिंग टेप और बैगिंग रोलर। जिन मटेरियल का उपयोग होता है वो है रॉयल लग्जरी इमल्शन रॉयल प्ले। इस पैटर्न के एप्लीकेशन के लेयर्स कुछ इस तरह से हैं। लेयर एक, प्राइमर पुट्टी प्राइमर का एप्लीकेशन। लेयर दो, रॉयल लग्जरी इमल्शन का एप्लीकेशन। लेयर तीन, ग्रिड साइज को मेजर करें, मार्क और मास्किंग करें। लेयर चार, रॉयल प्ले का एप्लीकेशन। आइए देखते हैं इस पैटर्न के एप्लीकेशन का प्रोसीजर। पहला लेयर है प्राइमर पुट्टी प्राइमर। सरफेस को प्राइमर पुट्टी प्राइमर से फिनिश करें। याद रखें सरफेस लेवल हो ताकि कोई डिफेक्ट ना आए। लेयर दो, रॉयल लग्जरी इमल्शन का एप्लीकेशन। दो कोट रॉयल लग्जरी इमल्शन का अपने मन पसंदीदा शेड का बनाएं। देखते हैं लेयर तीन, स्ट्रिप साइज को मेजर और मार्क करना। स्ट्रिप के साइज को नाप कर उसे मार्क कर लें और फिर मास्किंग टेप उस मार्किंग के अनुसार लगाएं। ये दो एप्लीकेटर कर सकते हैं। लेयर चार, रॉयल प्ले का एप्लीकेशन। रॉयल प्ले को एप्लीकेशन रोलर से बनाएं, पैटर्न को बैगिंग रोलर से बनाएं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, मास्किंग टेप को तुरंत निकाल दें। रॉयल लग्जरी इमल्शन से अगर जरूरत है तो टचअप करें। एक एप्लीकेटर मटेरियल डिपॉजिट करेगा और दूसरा पैटर्न बनाएगा। इसे 24 घंटे सूखने दें। कवरेज, रॉयल लग्जरी इमल्शन 130-150 स्क्वायर फीट पर लीटर दो कोट के लिए। रॉयल प्ले 100 स्क्वायर फीट पर लीटर एक कोट के लिए। एप्लीकेशन एरिया फॉर इंटीरियर सरफेस।